बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में टॉप 10 मेडिकल कॉलेज की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे टॉप पे जो है वो शालीमार मेडिकल डेंटल कॉलेज लाहौर है। आज हमने इसके बारे में बात करनी है, इसका MBBS ख़ासतौर पर हम इसको देखेंगे और इसका फ़ीस स्ट्रक्चर, और इसके अलावा इसके लास्ट ईयर जो मेरिट था MBBS का, वो क्लोजिंग मेरिट, उसको भी देखेंगे और बहुत कुछ। वीडियो से जाने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली अपडेट आपको और मिलती रहे। सबसे पहले हम प्रोग्राम्स की तरफ जाते हैं, इसमें MBBS प्रोग्राम को देखते हैं के हवाले से। इसमें जो एनुअल लोकल 2000 ये एनुअल फीस स्ट्रक्चर एकेडमिक ईयर्स 2023 और 24 लोकल कैंडिडेट्स, इसमें 6+5 1+5 प्रोग्राम भी शुरू किया गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले फीस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसका फीस स्ट्रक्चर जो है लोकल कैंडिडेट्स का, इसमें टोटल जो फीस बन रही है वो 21,20,243 रुपये जो अपडेट की गई है। ये इस फर्स्ट ईयर की फ़ीस है MBBS की लोकल कैंडिडेट्स के लिए, और उसके अलावा बाकी चार्जेस जो हैं वो हॉस्टल चार्जेस जो है फर्स्ट ईयर के, वो 2,58,860 रुपये। हॉस्टल रेंट चार्जेस मंथली जो है वो पे करने पड़ेंगे 21,572 रुपये, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट चार्जेस वो एज़ पर जैसे चलते हैं एग्रीमेंट अरेंजमेंट के हिसाब से, फूड चार्जेस भी अरेंजमेंट के तौर से, और इसके अलावा द अमाउंट ऑफ 50,000 विल बी रिक्वायर्ड टू बी डिस्पॉजिट एज रिफंडेबल हॉस्टल सिक्योरिटी जो है ना, वो 50,000 जमा कराना होगी इनके हिसाब से अवेलिंग हॉस्टल फैसिलिटी अगर करना चाहते हैं। फीस स्ट्रक्चर भी रिव्यूड इफ़ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इन्फ्लेशन, जैसे महंगाई होती है तो 15% हर साल पॉलिसी के मुताबिक जो है वो चलता है। उसके बाद है सेक्शन 9 क्लास 3 मेडिकल डेंटल कॉलेज एजुकेशन एडमिशन करिकुलम पॉलिसी रेगुलेशन 2000 प्रोवाइड एज अंडर, ये दी गई है कि अगर आप ए स्टूडेंट्स शैल हैव टू राइट टू पे ट्यूशन फी ऑन ए क्वार्टरली 6 मंथली एंड एनुअल बेसिस कॉलेज बेस, यानी क्वार्टर भी यानी साल 4 हिस्सों में तकसीम करके भी दे सकता है, 6 मंथ की दे सकता है, एनुअल चार्जेस भी दे सकता है। अगर एक स्टूडेंट जो है वो इसमें कंसेशन भी होती है, वो कंसेशन किस तरह है वो हम देख लेते हैं। ए स्टूडेंट्स पे द कॉलेज ऑन 6 मंथली बेसिस इन एडवांस, अगर 6 मंथली एडवांस दे देता है टू बी ग्रांटेड 2% डिस्काउंट इन द ट्यूशन फीस जो है ना वो दे दी जाती है। अगर एक स्टूडेंट पे द कॉलेज ऑन द एनुअल बेसिस इन एडवांस विल बी ग्रांटेड 4% जो है ना, अगर वो एडवांस में पूरे साल की देता है तो 4% डिस्काउंट दिया जाता है। ये था फीस स्ट्रक्चर फॉर लोकल स्टूडेंट। अब हम फॉरेन स्टूडेंट की तरफ जाते हैं। एनुअल फीस स्ट्रक्चर एकेडमिक ईयर 2023-24 फॉरेन स्टूडेंट 6 मंथ MBBS मेडिकल एंड इनरिचमेंट प्रोग्राम्स हैं। ये जो टोटल फीस बन रही है फर्स्ट ईयर की, ये 19,370 डॉलर है ये फर्स्ट ईयर की, और इसके अलावा जो चार्जेस हैं अदर चार्जेस वो बन रहे हैं जी, इसमें पाकिस्तानी रुपीस में होंगे सारा कुछ, ये होगा 48,750 रुपये पूरे साल के चार्जेस होंगे इसमें, और इसके अलावा फ़ी चार्जेस PKR ऑप्शनल हैं ये, जिसमें हॉस्टल अगर अवेल करता है तो 2,58,860 के पाकिस्तानी रुपीस में होंगे, और मंथली चार्ज 21,572 रुपये फर्स्ट ईयर के, और बाकी ट्रांसपोर्ट चार्जेस वो एज़ पर कंट्रैक्ट जिस तरह भी होता है, और बाकी उसी तरीके से आप 50,000 अगर हॉस्टल अवेल करना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो 50,000 जो है ना वो रिफंडेबल जो है वो सिक्योरिटी जमा कराता है, तो इन्फ्लेशन के अतबार से 15% जो है ना हर साल बढ़ती है, चार्जेस बढ़ते हैं।
अगर वो 6 मंथ जिस तरह जमा कराता है तो 2% रियायत मिलती है, और अगर टोटल फीस पूरे साल के एनुअल कराता है तो 4% अवेल की जाती है, उसको डिस्काउंट दिया जाता है। ये लम्स के साथ शालीमार मेडिकल कॉलेज का डेंटल कॉलेज का लम्स के साथ पार्टनरशिप है, और ये 1+5 ईयर्स प्रोग्राम है, उसको हम देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि ये क्या है, व्हाट इज़ द MBBS प्लस प्रोग्राम, ये MBBS प्लस प्रोग्राम क्या चीज़ है। दी MBBS प्लस प्रोग्राम इज़ एन इनोवेटिव प्रोग्राम स्टेब्लिश एज जॉइंट वेंचर बिटवीन द शालीमार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एंड लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस के साथ, यानी लम्स के साथ। MBBS इज़ अ 6 ईयर 1+5 MBBS प्रोग्राम विद द फर्स्ट ईयर्स ऑफ द स्टूडेंट्स, 2 कंसेप्टिव सेमेस्टर होंगे इसमें, टेक प्लेस एट लम्स फॉलोइंग बाई 5 ईयर्स ऑफ द स्टूडेंट्स एट शालीमार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। 1 साल जो है आपको लम्स में करना, अगर करना चाहता है तो वो ठीक है कर सकता है, नहीं करना चाहता, आगे क्वेश्चनिंग आ रही है उसमें आप ये अंदाज़ा लगा सकेंगे जो स्टूडेंट करना चाहता है। और तो 1 साल का जो है उसमें कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, कौन सी क्या चीज़ होगी, वो सारी चीज़ें, अगर ये ऑप्शनल है, अगर करना चाहते हैं 1+5 प्रोग्राम तो ठीक है, अदरवाइज़ आप 5 ईयर प्रोग्राम करें, कोई इशू नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ MBBS प्लस प्रोग्राम, MBBS प्लस प्रोग्राम का फ़ायदा क्या होगा, जो ये क्वेश्चन आपके जहन में भी हो सकता है। दिस प्रोग्राम विल अलाउ द स्टूडेंट्स टू ब्रॉडन देयर हॉरिजन एंड प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द लीडरशिप रोल्स इन हेल्थ केयर डिलीवरी क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड रिसर्च। तो आप अपने में स्टूडेंट जो है वो लीडरशिप रोल अदा करना चाहते हैं हेल्थ केयर में, डिलीवरी क्लिनिकल प्रैक्टिस वगैरह रिसर्च में, तो आप इसके ज़रिए से इस प्लस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अगर इस तरह की क्वालिटीज़ आप पैदा करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ विल दिस प्रोग्राम द अवार्डेड, फॉर द कोर्स ऑफ टेकन एट लम्स ए सर्टिफिकेट विल बी गिवन टू रिकॉग्नाइज द कोर्स स्टडीज, ये रिकॉग्नाइज कोर्स हैं। SMDC इज़ एफिलिएटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर से, ये MBBS आपको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी देगी। व्हाट विल बी द स्टडी एट लम्स, किस तरह करेंगे स्टडी जो है वो लम्स में, स्टूडेंट्स आर ब्लाइज टू स्पेंड देयर फर्स्ट ईयर स्टडी एट लम्स फॉर 2 कंसेक्टिव सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर में जो है ना ये स्टडी होगी। इन ईच सेमेस्टर स्टूडेंट्स मस्ट टेक 3 कंपल्सरी कोर्सेज, इसमें 3 लाजमी कोर्सेज होंगे, अप टू इलेक्टिव कोर्सेज, 2 इलेक्टिव कोर्सेज होंगे। दी कंपल्सरी कोर्सेज विल इंक्लूड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबॉरेटरी वगैरह। दी इलेक्टिव सब्जेक्ट कोर्सेज आर कैन बी चूजन बाय द स्टूडेंट्स एंड इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, इंफॉर्मेशन सिस्टम वगैरह। टोटल क्रेडिट आवर्स विल बी 12 to 18 को आर जो है ना इसमें आवर्स हैं। ये अगर इलेक्टिव ये उनका प्लस प्रोग्राम है। व्हाट इज़ द फी एंड पेमेंट स्ट्रक्चर फॉर द MBBS प्लस प्रोग्राम, ये भी स्टूडेंट के जहन में होता है कि इसका फी स्ट्रक्चर क्या होगा और पेमेंट प्रोग्राम क्या होगा। MBBS प्लस प्रोग्राम हैज़ द सेम फी स्ट्रक्चर एज इट्स स्टैंडर्ड्स MBBS काउंटर पार्ट, जिस तरह MBBS की फीस है उस तरह सालाना फीस भी इसकी होगी। दी फर्स्ट MBBS ईयर्स पेमेंट्स मस्ट बी पेड ऑन फ्रंट टू शालीमार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में। नेक्स्ट है जी, स्कॉलरशिप के हवाले से प्लस प्रोग्राम का, आर देयर एनी स्कॉलरशिप फॉर द MBBS प्लस प्रोग्राम, यस दी शाहिद हुसैन फाउंडेशन हैज़ ग्रेशियसली अफोर्ड टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विल ए विद ए फुल स्कॉलरशिप फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द स्टूडेंट
स्टडी एट द लम्स ऑन ए मेरिट बेस। हॉस्टल चार्जेस आर नॉट कवर्ड इन दिस स्कॉलरशिप। हॉस्टल चार्ज आपको देने पड़ेंगे, लेकिन जो स्कॉलरशिप फुल चार्जेस होंगे, फुल स्कॉलरशिप है ये, शायद हुसैन फाउंडेशन जो है ना वो ऑफर करी है। दी फर्स्ट एमबीबीएस, फर्स्ट एमबीबीएस ईयर पे मस्ट पेड ऑन फ्रंट दस शालीमार मेडिकल डेंटल कॉलेज। ऑल स्टूडेंट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट और एमबीबीएस पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम्स ऑन द मेरिट कम्पीट बेसिस। तो हम स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, स्कॉलरशिप के लिए। व्हाट इज़ द एडमिशन क्राइटेरिया? द एडमिशन क्राइटेरिया इज़ द सेम एमबीबीएस एंड एमबीबीएस प्लस प्रोग्राम। ऑल एडमिशन क्राइटेरिया इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स। स्टूडेंट्स हु ऑप्शन फॉर स्पेंड वन ईयर एलम्स विल बी टू अंडरगो एंड इंप्रूव फॉर फाइनल सिलेक्शन टू लम्स। तो इंटरव्यू देंगे और उसमें का हिस्सा बन जाएंगे। नेक्स्ट है जी, इज देर एनी अदर ऑप्शन टू इंक्लूड स्टडिंग एट लम्स ड्यूरिंग माई एम बी बी एस डिग्री? कि एम बी बी एस डिग्री में ये ऑप्शन है फॉर स्टूडेंट्स हु डू नॉट विश टू ऑप्शन फॉर द एम बी बी एस प्लस प्रोग्राम आर ओनली अप्लाई फॉर एम बी बी एस विल ऑल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी टू टेक अलेक्टिव कोर्सेस एंड लम्स एंड द समर टर्म्स। तो समर टर्म में जो इलेक्टिव कोर्सेज हैं वो भी कर सकता है अगर वो एम बी बी एस प्लस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। स्टूडेंट विल हैव टू पे फीस पर कोर्सेज, पर कोर्सेज फीस जो है ना वो पे करना होगी। व्हाट वुड बी द ग्रेडिंग क्राइटेरिया फॉलोड बाय लम्स? द ग्रेडिंग क्राइटेरिया जो है वुड बी द डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर लम्स की निस्बत। स्टूडेंट आर पास और फेल पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर दी स्टूडेंट्स। ओवर स्टूडेंट्स विल हैव टू रिपीट कोर्स अपॉन गेटिंग एन एफ ग्रेड। अगर एफ ग्रेड में तो दोबारा रिपीट कर सकता है। विल स्टूडेंट टू बी अलाउड टू अवेल हॉस्टल फैसिलिटी एट लम्स? हॉस्टल की फैसिलिटी कर सकता है अवेल? हॉस्टल फैसिलिटी इज यूज असाइन टू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द फॉल सेमेस्टर में कर सकता है। हैंस द अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्टल रूम्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग सेमेस्टर इज मिनिमल होगा। ऑफर ऑफिस ऑफ द स्टूडेंट्स अफेयर्स लम्स वुड बी एप्लीकेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। तो अप्लीकेशन दे सकता है वो, अकोमोडेशन ले सकता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इसमें शामिल हैं, वो जल्दी से हम देख लेते हैं। इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आर्ट्स एंड फोटोग्राफी क्लब भी मौजूद है, म्यूज़िक क्लब है, एडवेंचर क्लब है, स्पोर्ट क्लब कमेटी है, डिबेटिंग सोसाइटी है, ड्रामेटिक सोसाइटी, लिटरेसी, एवरीथिंग जो है, हॉर्टिकल्चर सोसाइटी मौजूद है, पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी भी शामिल है। इसमें जिम की फैसिलिटी भी है, क्योंकि हेल्थी माइंड है, हेल्थी सॉइल, हेल्थी बॉडी हैज़ हेल्थी माइंड, क्योंकि ये एक बेहतरीन चीज़ है कि अगर सेहतमंद जिस्म होगा तो सेहतमंद दिमाग भी रखेगा। तो ये इसमें जिम की फैसिलिटी भी मौजूद है फॉर वेलनेस ऑफ द स्टूडेंट्स। फैकल्टी स्टाफ मेंबर्स आर एयर कंडीशन जिम। जिमनीजियम इज सेटअप ऑन कैंपस। जिमनीजियम इज इक्विप्ड विद द लेटेस्ट इक्विपमेंट एंड हैज़ सेपरेट टाइमिंग और मेल एंड फीमेल्स के अलावा। कोचिंग स्टाफ इज ऑल्सो अवेलेबल इन जिमनीजियम फॉर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस के लिए मौजूद है। हॉस्टल जो है वो मौजूद है, वही इसमें हॉस्टल बहुत इक्विप्ड हॉस्टल भी मौजूद है, वही ये हॉस्टल भी मौजूद है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। सबसे बड़ी खासियत के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसमें होती है, ये हर साल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है। ये आप भी सेवन्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी जारी है, जिसके ये टू से फाइव फरवरी तक 2023 को होगी, जिसमें मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर जो है वो डिबेट होती है और
उसमें बहुत अपना नॉलेज शेयर किया जाता है। इंटरनेशनल्स जो हैं लोग डॉक्टर हजरात फैकल्टी हजरात तो आते हैं, अपने जो आर्टिकल्स होते हैं वो पेश करते हैं अपनी कंट्रीब्यूशन। और इसमें जो प्राइज़ भी ग्रेजुएट्स के लिए अनाउंस किए जाते हैं, फर्स्ट प्राइज़ 20,000 है और सेकंड प्राइज़ 15,000 और थर्ड प्राइज़ अगर उनमें कोई एडवेंचर या इस तरह की कोई चीज़ नहीं बताते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। और रजिस्ट्रेशन की जो फ़ी है वो 3,000 है, इंटरनेशनल जो स्टूडेंट हैं वो उनके लिए $300 है, और गाला 3,000 और स्टूडेंट्स के 1,000, ये कुछ फीसेज हैं। और ये इंटरनेशनल, इसमें सब चीज़ें शामिल हैं, एवरीथिंग होगी 7 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। ये था पूरा ओवरव्यू आज की इस वीडियो में शालमार मेडिकल कॉलेज का। लास्ट में हम रह गए फी अपना लास्ट ईयर जो क्लोजिंग मेरिट था MBBS का वो हम देख लेते हैं। लास्ट ईयर वेटिंग सेकंड वेट लिस्ट में जो शालमार मेडिकल कॉलेज की 2022-23 की थी मेरिट लिस्ट, उसमें जो लास्ट मेरिट था हम उसको देख लेते हैं। लास्ट मेरिट था जी 85.3818 था लास्ट क्लोजिंग मेरिट, और इससे भी इस दफ़ा कम हो सकता है। कुछ स्टूडेंट जो है वो दूसरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं, तो ये अब कुछ जो है इसकी तरफ रुझान भी कम हो गया है लोगों का, तो ये कम हो सकता है क्योंकि जॉब भी नहीं आ रही और इनसिक्योरिटी लोग फील कर रहे हैं, तो कोई और दूसरे और शोबों में जा रहे हैं, तो इस तरीके से इसका मेरिट कम हो सकता है। तो इस तरीके से आज की जो वीडियो है वो ख़त्म हुआ चाहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं तो ये आपने सपोर्ट करनी है ताकि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकूं, और तमाम टॉप 10 जो कम से कम जो है टॉप 10 मेडिकल कॉलेज लाहौर के वो आपको उसके बारे में पूरा ओवरव्यू दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।